रीवा पुलिस ने सुहागी थाना अंतर्गत बड़ा गांव में मुन्ना लाल पटेल की हत्या का किया खुलासा। दो आरोपी हुए गिरफ्तार। 13 सितंबर को मुन्ना लाल पटेल पिता हीरा लाल पटेल उम्र 45 वर्ष निवासी बड़ा गांव की करीबन 8:30 बजे अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। थाना सुहागी को सूचना मिलते ही पुलिस महानिरीक्षक चंचल शेखर, पुलिस अधीक्षक रीवा राकेश सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार वर्मा के मार्गदर्शन में SDOP त्योथर नवीन दुबे के नेतृत्व में टीम गठित हुए और तत्काल ही आरोपियों की पता तलाश के लिए प्रयास जारी किए। प्रारंभिक में परिजनों ने बताया कि मुन्ना लाल पटेल के परिवार के ही अनुराग सिंह पटेल, रत्नेश सिंह इत्यादि से पिछले 2 दिनों से विवाद चल रहा है। इसके अलावा भी अन्य कई संदेही को नामजद किया। पुलिस के द्वारा उन सभी संदेही उसे कथन बयान लिए गए, किंतु सफलता प्राप्त नहीं हुई। लगातार आसपास के क्षेत्रों से CCTV फुटेज, कॉल डिटेल इत्यादि के माध्यम से सभी संदेहियों की जानकारी ली गई। इस दौरान एक CCTV में एक कार मृतक के पीछे ओर जाते दिखी। कुछ अन्य लोगों से पूछताछ में पता चला कि मुन्ना लाल पटेल को आरोपी प्रभाकर सिंह और विजय तिवारी ने मिलने के बहाने से बुलाया और उसे नारी बारी चाकघाट लेकर गए। वहां से लौटते वक्त उसे प्रताप ढाबे से अपनी गाड़ी उठाई और घर की ओर निकल गया। इन लोगों ने उसका पीछा किया और सुनसान जगह पर गोली मारकर हत्या कर दी और सुबह ही यहां से बाहर चले गए। प्रभाकर सिंह से अपराध में प्रयुक्त वाहन जब्त किया गया और विजय तिवारी से देसी कट्टा और कारतूस जब्त किया गया। इस अपराध का मुख्य उद्देश्य ट्रैक्टर एजेंसी का विवाद था। मुन्ना लाल उसे किसी अन्य को दिलाना चाह रहा था और प्रभाकर सिंह ने खेत बेचकर इस एजेंसी को लिया था। इसी विवाद के चलते पिछले 1 माह से उसकी हत्या की रणनीति बना रहे थे। पारिवारिक विवाद का पता चला तो मौके का फायदा उठाते हुए उसने मुन्ना लाल पटेल की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रयागेश्वर न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। दिनांक 13/9/2020 को सुहागी थाने पे कुंवर बहादुर सिंह ने रिपोर्ट की कि मेरे पिता की किसी ने मझिया रोड पर हत्या कर दी है। उनको 2 गोली मारी गई है, एक चेहरे पर और एक उनके गाल पर लगी है। सुहागी पुलिस द्वारा मौके पर देखकर उसके बाद के किसी भी द्वारा मुन्ना लाल पटेल की हत्या कर दी गई है। FIR पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया। हमारे पुलिस महानिरीक्षक IDI सर, SP सर के द्वारा टीम बनाई गई। टीम में SDP गंधर के नेतृत्व में थाना प्रभारी सुहागी ने संदिग्धों से पूछताछ करना शुरू की। परिवार के लोगों ने बताया था मृतक के कि कुछ पारिवारिक विवाद है उनके परिवार के लोगों से, इसलिए अनुराग सिंह पटेल, एक धर्मपाल सिंह पटेल, इनसे कुछ दिनों से झगड़ा चल रहा था। उनके ऊपर उन्होंने शंका व्यक्त की थी, उन्हीं के ऊपर उन्होंने संदेह व्यक्त करते हुए FIR भी दर्ज कराई। पुलिस के द्वारा, टीम के द्वारा उन लोगों से पूछताछ की गई। सघन पूछताछ के बाद निकल के आया कि उनका इस घटना में कोई रोल नहीं है। पुलिस ने दूसरा पक्ष भी देखा, मौके पर चश्मदी साक्षियों से पूछताछ करने की कोशिश की, CCTV कैमरा देखे, तकनीकी सहयोग किया गया, तो ये निकल के आया कि 2 व्यक्ति कोई और थे जिन्होंने उसकी हत्या की। पूछताछ करने पर ये पता लगा कि प्रभाकर सिंह जो वहाँ पर सोनालिका ट्रैक्टर का वो है एजेंसी वाला है, वो और एक उसका ड्राइवर विजय तिवारी, इन दोनों ने मिलकर प्लानिंग के तहत मुन्ना लाल पटेल की हत्या की है। जब जानकारी ली गई, पूछताछ की गई, तो मालूम चला कि मुन्ना लाल पटेल वहाँ पर एक मैनेजर का काम करता था और उसकी रिपोर्ट पर से ये सोनालिका टेक्निकल एजेंसी जो प्रभाकर सिंह के पास थी, ये किसी और को जाने वाली थी। उसको ये बात पता लग गई थी, उसने पहले प्रयास किया कि मेरी एजेंसी मेरे पास से ना जाए। जब ये बात नहीं बन पाई तो उसके द्वारा अपने ड्राइवर के साथ मिलकर इसकी हत्या की योजना बनाई गई और घटना दिनांक को आरोपी द्वारा इसको मृतक को बुलवाया गया, उसके साथ दारू पी गई और उसको जब वो घर जा रहा था वापस, तो अपनी S-Cross मारुति कार के माध्यम से उसका पीछा किया और पीछा करके घटनास्थल पर जाके विजय तिवारी और उसके साथी द्वारा मृतक की हत्या की गई। और उसके बाद से की गई है घटना में जब कट्टा जो 315 ओवर से गोली मारी गई थी वो जब्त कर लिया गया है। साथ ही वो जो वाहन था वाहन जब्त हो गया, दोनों आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए। इसमें SDP चौथर के साथ में थाना प्रभारी सुहागी पवन शुक्ला, हमारे सब इंस्पेक्टर अभिषेक पटेल, प्रधान आरक्षक राम रंजन रावत, आरक्षक राहुल कुमार, ब्रजेंद्र जायसवाल, अजय सिंह और राहुल अहरवाल की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इनको वरिष्ठ अधिकारियों से